Namaste, dear students, friends, followers, and professionals. Welcome to live sandeepmanudhane.org. Aap sabhi ka hardik swagat hai. We currently are continuing with our series, History's Dark Chapters. Itihas ke kaale prashth ki hamari shrankla jari hai aur aaj hum dusre bhaag par aa chuke hain. The topic that we will take up in the second part of History's Dark Chapters is the Nanking Massacre 1937-38. Nanking Narsahar 1937-38 जापानी शाही सेना के द्वारा किया हुआ चीनियों के ऊपर एक ऐसा अत्याचार था जिसकी मिसाल इतिहास में ढूंढे नहीं मिलती. शायद कभी मंगोलों ने अपने पूरी विजय यात्रा में जब हत्याकांड किए थे 13वीं और 14वीं सदी में, तब वो कुछ ऐसे दिखते होंगे. लेकिन जो ब्रुटैलिटी जापानीज इंपीरियल सेना ने चीनियों के विरुद्ध दिखाई, उसकी छाया आज तक जापानीज साइनो जापानीज रिलेशंस पर साफ दिखाई देती है. सो द टॉपिक फॉर टुडे, फिर से हम देख लेते हैं हिस्ट्रीज डार्क चैप्टर्स. द नानकिंग मैसेकर हमें बताएगा कि आखिर कहां और क्या गलत हुआ. लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमेशा की तरह हमारे तीन प्यारे प्यारे साथी आ चुके हैं. द फर्स्ट वन, आज हम विश्व भ्रमण पर निकले भैया. हम चल रहे हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड. विशाल, थैंक यू सो मच विशाल. यू हैव रिटन सच गुड वर्ड्स फॉर अस एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू गिफ्ट अस समथिंग. ये हमारी पूरी टीम के लिए एक बड़ा प्यार भरा आपका कमेंडेशन है और आपकी तरफ से एक वैलिडेशन है दैट यू हैव थरली एंजॉयड एवरीथिंग. सो कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. गॉड ब्लेस यू ऑलवेज विशाल. वी मूव ऑन टू ग्वालियर. विनय, विनय को बहुत मजा आ रहा है सारे सेशंस में, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हमारी डीप रिसर्च और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन से. थैंक यू वेरी मच विनय, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. और सीधे चलते हैं अहमदाबाद, नंदी कवीश के पास. बहुत कुछ लिखा है आपने और बहुत दिल से लिखा है. एवरी टाइम अ सिंसियर स्टूडेंट राइट सो मच एक्सप्लेनिंग व्हाट ही फील्स अबाउट ऑल आवर सर्विसेज, दिल खुश हो जाता है भाई. सो नंदी, बहुत बहुत धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. आइए आज का सेशन शुरू करते हैं. जैसा मैंने कहा, द नानकिंग मैसेकर. सबसे पहले मैं आपको एक मिनट में इसकी पूरी समरी दे देता हूं. Japan and China both were very closed nations till about the 18th and the 19th century first half. But then American naval fleets forced open Japan to the Western society. And after that, the Meiji Restoration took place in Japan, which suddenly modernized Japan over 30 to 40 years. तो जापान का जो त्वरित आधुनिकीकरण हुआ 1864 के पश्चात, 1860 के पश्चात, जब 1854 में अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने जबरदस्ती ट्रेड कॉमर्स के लिए जापान को खुलने के लिए मजबूर किया, सन 1900 आते आते स्थिति यह हो चुकी थी कि जापान अचानक चीन से बहुत आगे निकल गया था, जबकि इतिहास में चीन को जापान से बड़ा और ज्यादा ताकतवर माना जाता है. द फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर 1894-95 वॉज अ प्रूफ व्हेन जापान बीट चाइना एंड देन जापान बिकेम मच मच स्ट्रॉन्गर एंड फाइनली the great battle, the second sino-japanese war, which started in 1937 and continued till 1945, till the end of second world war, uska hissa hai nanking massacre. Aapko ek broad background samajh mein aaya hoga. Aaiye pehla chitra dekhte hain. Aap yahan par japan aur china ka ek first level comparison dekh rahe hain. Ye dono desh अपने आप में बड़े अद्भुत देश रहे हैं और इन दोनों देशों में बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन आज भी इनके रिश्तों में एक बहुत गहरी खटास है. क्योंकि नानकिंग मैसेकर जैसे हत्याकांडों ने, आप यहां पे ज्योग्राफी देख रहे हैं, जापान बहुत छोटा है भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो, लेकिन उस वक्त जब हम 1910, 1920, 1930 और 1940, 41, 42 की बात कर रहे हैं, द जापानीज इंपीरियल फोर्सेस हैज कैप्चर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ एशिया. जापानी शाही सेनाओं ने एशिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था. जर्मनी और इटली के साथ मिलकर वो एक्सिस पावर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था. तो चीन ने इनके हाथों बहुत मार खाई, फिर इतिहास ने पलटी ली और बहुत कुछ बदल गया, वो एक अलग बात है. Let's take a look at the geography once again to get an idea about the relative sizes of these two nations.
जापान हैड बीन एन आइसोलेटेड नेशन फॉर लॉन्ग, मैंने आपसे कहा कि जापान बहुत लंबे समय तक अलग थलग पड़ा रहा 15, 16, 17 सेंचुरीज में, जब वहां तोकुगावा शोगुनेट का राज था। लेकिन 1854 में कमोडोर मैथ्यू पेरी की अमेरिकी नौसेना ने जबरदस्ती डराकर उन्हें बोला कि हमारे साथ ट्रेड कॉमर्स शुरू करो। पूरा पैसिफिक पार करके आया था कमोडोर मैथ्यू पेरी, और 1860 से जापान को यह समझ में आ गया कि तोकुगावा शोगुनेट से काम चलेगा नहीं, वो सब खत्म हुआ। एंड इमीडिएटली अ पीरियड ऑफ रैपिड मॉडर्नाइजेशन फॉलोड, तो जापान में बहुत तेजी से आधुनिकीकरण हुआ। दैट फेज ऑफ जापानीज मॉडर्नाइजेशन इज वन ऑफ द यूनिक एपिसोड्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। 30 साल में कोई राष्ट्र पूरी तरह से बंद होने से एक अत्याधुनिक राष्ट्र बन जाए, ये शायद सिर्फ जापानी कर सकते थे। जिस तरह के टॉर्चर उन्होंने अभी थोड़ी देर में चीनियों पे हम बात करेंगे, वो भी शायद सिर्फ जापानी कर सकते थे। ये बात बहुत सी मिलिट्रीज ने कंफर्म की है, दैट द शीयर ब्रूटैलिटी एंड द बेस्टियलिटी दैट द जापानीज सोल्जर्स कुड शो वाज यूनिक। लोगों को समझ नहीं आता था कि इनके मन में इतनी घृणा भरी हुई क्यों है। एनीवे, ये घृणा का दाना वैसे ही होता है, एक बार दिल में आ जाए, दिमाग में आ जाए, वो सिर्फ बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता। इसलिए दिल में घृणा के दानों को कभी आने देना नहीं चाहिए। ये हर युग में, हर जाति, हर समाज के लिए एक सीख है जो बड़े बड़े लोग देकर गए। मेजी रेस्टोरेशन, MEIJI, जो राजा के लिए यूज होता था टर्म उस वक्त के, मेजी रेस्टोरेशन यानी पुनरुत्थान में जापान अचानक से आधुनिक हुआ। चीनियों को यह पता भी नहीं चला। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हियर इज द स्नैपशॉट ऑफ साइनो जापानीज रिलेशनशिप्स। मैं 1894-95 के फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर से शुरू करता हूं, आपके सामने ही है। पहला चीनी जापानी युद्ध एम्परर मेजी ने ऑर्डर किया कि भाई चीन पर हमला कर दो, चीनियों को लगा आसानी से हरा देंगे। उस वक्त चीन में 8 से 10 यूरोपियन शक्तियां अलग अलग तरीके से घुसी पड़ी थी। ये एक और बहुत बड़ा कारण था बाद में साम्यवाद के उदय का, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करते रहे कि इस तरह से यूरोपीय सब तरफ घुस आए हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है, व्यापार ये लोग छीन के ले जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। उस वक्त जापान ने हमला किया। 1931 में अगला बड़ा हमला होता है, बीच के बहुत सारे इंसिडेंसेस आज के लिए रेलेवेंटली इसको उड़ा दिया हमने। जापान इन्वेड्स मंचूरिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, और उसको मंचूकुओ पपेट शासन बना दिया। और अंततः 1937 से 1945 तक दूसरा चीनी जापानी युद्ध होता है, जिसमें दिसंबर 1937 से जनवरी 1938 तक 3 लाख चीनियों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारने का जघन्य हत्याकांड जापानी करने जा रहे हैं। यह समझ में आ गया आपको, पूरा हिस्टोरिकल स्नैपशॉट क्लियर हो गया। यह जरूरी होता है क्योंकि उसके बिना सिर्फ इंसिडेंट बताने में कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने आपको बता दिया एक आइसोलेटेड जापान, रैपिड मॉडर्नाइजेशन, मेजी रेस्टोरेशन एंड द शॉक फॉर द चाइनीज कि हम इतने बड़े और इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन देखो इनके हाथों हम परास्त हो गए। तो मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग हो गई। किसी भी देश में जब भी मिलिट्री स्ट्रांग होती है, वो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी होती है। मिलिट्री को हमेशा न्यूट्रल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखना चाहिए। जहां आप मिलिट्री को सिविल में ले आए, उसके बाद तो सिर्फ तबाही ही होती है। हजारों सालों का इतिहास यही बताता है। एनीवे, अब हुआ ये कि इंपीरियल एम्बिशन बड़े मजबूत होते चले गए मिलिट्री के बहुत करीब आने से, और 1894 में चीन पर हमला कर दिया गया। फिर से आपको इतिहास में दिखाता हूं साइनो जापानीज रिलेशन की, जो लाल रक्त रंजित स्लाइड हमने दिखाई थी, और एक और बर्ड्स आई व्यू आपको दिखाऊंगा चीन का इतिहास और जापान का इतिहास का टाइमलाइन। ये सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, आप लैपटॉप और कंप्यूटर पे फुल स्क्रीन पे इसको देखेंगे तो नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। दैट इज अप टू यू एज टू हाउ डीपली यू वॉन्ट टू स्टडी दीज वेरी यूजफुल रिसोर्सेज। फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर पर अब चलते हैं साथियों। सबसे पहला जो चीन और जापान का युद्ध हुआ था, जिसमें चीन की भारी हार हुई थी, फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर 1894-1895। चीन का राजा या राज्य जो था वो था किंग एम्पायर, QING, द किंग एम्पायर, समझ गए। और जापानीज एम्पायर बेसिकली डोमिनेशन के लिए युद्ध कर गया, डोमिनेशन ओवर द कोरियन पेनिनसुला, कोरियाई प्रायद्वीप। जी हां, किम जोंग उन वाला ही, कोरियाई प्रायद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए जापानियों ने हमला बोल दिया। दे वॉन्टेड टू डोमिनेट द कोरियन पेनिनसुला एंड जापान बीट चाइना हैंड्स डाउन एंड ईस्ट एशियन पावर इक्वेशंस चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेवरल हंड्रेड इयर्स एंड इट वॉज अ बिग बिग शॉक फॉर द जापानीज। ये समझ में आया आपको।
तो 25 जुलाई 1894 से 17 अप्रैल 1895, 8 महीने तक चला कोरिया, मंचूरिया, ताइवान और येलो सी के ऊपर यह युद्ध था, जिसमें चाइना की बड़ी डिसाइसिव हार हो गई। किंग एम्पायर की इज्जत पूरी इसी येलो सी में डूब गई। कोरियन पेनिनसुला ट्रांसफर टू द जापानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी, ये हुआ और टेरिटोरियल चेंज हुए। समझ में आया आपको? यहां से समझ में आ गया चाइनीज को कि भैया आगे बहुत मार पड़नी है। आप देखेंगे, अब हम जापानीज एट्रोसिटीज की बात करेंगे। जापानी लोग बहुत सारी ऐसी एट्रोसिटीज करते थे जो सामने वाले को डराने के लिए की जाती थी। आप देखेंगे, ये एक बिहेडिंग का आदेश दिया है वहां के कमांडर ने, इनके सिर ही काट दो। तो ये बड़ी तीखी तलवारों से पूरे के पूरे सिर काट देते थे ताकि बाकी लोग डर के रहें। लेकिन हुआ ये कि ये जो बिहेडिंग है, ये द नैनकिंग मैसेकर में कॉम्पिटिशन में तब्दील हो गया। यू विल बी वेरी सरप्राइज एंड हॉरिफाइड टू हियर इट। और बाद में वॉर ट्राइब्यूनल ने, वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल ने कई बड़े बड़े जनरल्स को सजाए मौत 1945 के बाद दी भी, उस पर भी आएंगे। सो देयर इज सम क्लोजर एटलीस्ट। तो ये है बिहेडिंग, फर्स्ट साइनो जैपनीज वॉर के दौरान की बात कर रहा हूं साथियों, अभी तो मैं आगे आया ही नहीं हूं। अब हम तुरंत चलते हैं सेकेंड साइनो जैपनीज वॉर 1937 to 1945। 1937 से 1945 तक चला द्वितीय चीन जापान युद्ध। जो लाल में आपको दिख रहा है, ये जापान के द्वारा हथियाया हुआ चीन का क्षेत्र है। जापान वांटेड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर लैंड फॉर इटसेल्फ। नाउ जापान, बिकॉज इट इज एन आइलैंड, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इट, खुद को तो एक्सपेंड कर नहीं सकता, तो चीन को हथियाने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। दिस इज एग्जैक्टली वॉट द नाजीज कॉल्ड लेबेंस्ट्रॉम। जर्मन शब्द भैया लेबेंस्ट्रॉम, LEBENSRAUM, लिविंग स्पेस। तो वेन द नाजीज हैज स्टार्टेड द मास मर्डर ऑफ द ज्यूज एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इनटू ईस्टर्न यूरोप, उनका दावा यही था कि हम तो लेबेंस्ट्रॉम ले रहे हैं, हमारी क्या गलती है, ईस्टर्न यूरोप, सदर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, सभी तरफ। वेरी इंटरेस्टिंगली 2018 में इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ऑल्सो यूज द वर्ड लेबेंस्ट्रॉम फॉर द बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कमिंग इनटू इंडिया, स्टरिंग अ हॉर्नेट्स नेस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग था उनका उस शब्द का यूज करना, कई लोग बड़े भड़क गए उनके इस यूज से। एनीवे, वापिस आते हैं इसके ऊपर, मैं आपको हिस्ट्री के डॉट्स कनेक्ट कर करके बता रहा हूं। ये जो लाल में देख रहे हैं, ये जापानी फैलने की कोशिश कर रहे हैं, सेकेंड साइनो जैपनीज वॉर। तो आप देख रहे हैं मंचूरिया वगैरह सब हड़प लिया है। इन द सेकेंड साइनो जैपनीज वॉर, इट बिगैन विद अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट कॉल मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट। मार्को पोलो ब्रिज घटना में जापानियों ने चीनियों को बोला कि हमें वानपिंग शहर में अंदर जाने दो, हमारा एक सैनिक, ये आप देख रहे हैं जापानी कैसे कैसे फैले, मैं वो बता रहा हूं आपको यहां पे 1942 तक ये कितने फैल गए थे जापानी साम्राज्य को जो इन्होंने फैला लिया था। इन्होंने बोला कि हमें वानकिंग में अंदर जाने दो, दिख रहा है आपको, तो दिस इज द वानपिंग सिटी, हमारा एक सिपाही भाग गया है, हमें उसे ढूंढना है, एंड प्लीज अलाउ अस टू एंटर। तो चाइनीज ने साफ मना कर दिया कि नो वे, वॉर बिगैन। अब ये जो युद्ध दरअसल फैला और जापानी जो इतने एग्रेसिव हो गए चीनियों के खिलाफ में, इसके पीछे की आपको इतिहास बताना चाहूंगा। ये 1937 की हम बात कर रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर वन जब 1919 में समाप्त हुआ, उसके बाद जापानियों के लिए मुसीबतें इस लिहाज से बहुत बढ़ गई कि चाइना से बहुत सारी वस्तुओं का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था, एंड इन जापान द लोकल इंडस्ट्री सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो मोर ऑर लेस आज भी वही हो रहा है सारी दुनिया में। प्लस The Japanese military had become very, very strong after the First World War, and they were in a very rebellious mood, and they had a very close contact with the imperial court. तो उनकी बात वहां चलती थी, industrial problems थी वहां। जो communist और socialist थे वो ये बोल रहे थे कि सारी industry में सारे Japanese को समान वेतन भत्ते मिले वगैरह, तो domestically बहुत सारा churn था, and that led to the military ambitions। ये बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए मिलिट्री एम्बिशंस को कर्व करके रखना जरूरी है। तो ये वैनपिंग, यहां से शुरुआत होती है हमारे दूसरे साइनो जापानीज युद्ध की। आपने चित्र में देखा, इस शहर में तो मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट होता है, जापानी लोग बोलते हैं सेना, अरे भैया हमें कुछ समय के लिए वानपिंग शहर में जाने दो, चीनी मना कर देते हैं, युद्ध की शुरुआत होती है। तो कौन सी दो सेनाएं आमने सामने हैं, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है, मैं बड़े ढंग से आपको बताऊंगा, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, 1937 में द एम्परर ऑफ चाइना वॉज हिरोहितो, एक ही नाम है हिरोहितो। 1945 तक भी यही था, और इसी सम्राट पर अमेरिकी मुकदमा चला के फांसी पे लटकाना चाहते थे। जापानियों ने बोला भैया राजा के परिवार को बख्श दो, बाकी जिसको लटकाना है लटका दो। तो वो बहुत सारे लोग उसमें लटके भी, दैट मीन देवर एग्जीक्यूटेड, कैपिटल पनिशमेंट, राजा वगैरह साफ बच गए, इंपीरियल एमनेस्टी, वाह जिन्होंने सारे हत्याकांड करवाए, यही इतिहास है भैया। जापानीज इंपीरियल सेना
जो हिरोहितो के नेतृत्व में थी वर्सेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाइनास नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, चीन की राष्ट्रवादी सरकार जिसके नेता थे चियांग काई शेक। हमने माओ की कहानी में ये कवर किया है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डिक्टेटर्स में। जब चाइनास नेशनलिस्ट गवर्नमेंट लड़ रही थी, बाकी सारे लोग उसका साथ देने आ गए, बिकॉज माओ जेदोंग कम्युनिस्ट को भी यह समझ में आ गया था कि हमें आज तो चियांग काई शेक का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो चीन ही खत्म हो जाएगा। सो देर वॉज अ यूनाइटेड फ्रंट, संयुक्त मोर्चा। अरे भाई, भारत में भी 1995 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी, 2019 में भी बोल रहे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनेगी। अरे क्या बात है, क्या मजा है दुनिया में, देखो ये शब्द कैसे लौट लौट के। सो यू हैड अ चाइनीज नेशनलिस्ट गार्ड एंड द यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें कम्युनिस्ट आ गए, सब आ गए, और यूएसएसआर और अमेरिका भी इन्हीं का समर्थन कर रहे थे, बिकॉज अमेरिका वॉज टोटली फेवरिंग चियांग काई शेक एंड द चाइनीज नेशनलिस्ट। यूएसए को तो झटका 1949 में लगने वाला था, 1937 से 12 साल बाद, जब माओ ने तख्ता पलट करके चियांग काई शेक को ताइवान भगा दिया था, वो बात की बात है। तो अभी कम्युनिस्ट छोटे थे, जुड़ गए और जापानियों से लड़ना शुरू कर दिया। दोनों कैंप समझ में आ गए आपको? आई होप दैट इज क्लियर। अब नानकिंग हत्याकांड की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बहुत भयानक हत्याकांड, ये नैनकिंग है। यहां पे आप देख रहे हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना का झंडा और एम्बलम। ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो माओ जेदोंग ने अक्टूबर 1949 में बनाया था। द रेड फ्लैग दैट वी सी ऑफ द पीआरसी टुडे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वाज क्रिएटेड बाय माओ सेतंग इन अक्टूबर 1949, बट द एम्बलम एंड द फ्लैग यू सी राइट नाउ इज द फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना विच वॉज लेड बाय चियांग काई शेक। इन दिस लॉन्ग वॉर विथ जापान अल्टीमेटली लॉस्ट इन 1945, 1937 इज रिमेंबर्ड फॉर द इनफेमस नैनजिंग मैसेकर। नैनजिंग वॉज द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये महत्व है इसका, समझ में आया आपको? तो ये जो नैनजिंग हत्याकांड या नैनकिंग, दोनों एक ही है केजे, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उस वक्त नैनजिंग वॉज द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। शंघाई को जीतने के बाद जापानी नैनकिंग की ओर बढ़ रहे थे, ये कहानी है। और वहां 3 लाख निहत्थे औरतों को, बच्चों को, मर्दों को काट डाला गया। देखते हैं कैसे और उसमें क्या क्या हुआ। तो फिर से हम आरओसी का ये झंडा देख रहे हैं। अब आप तारीखें नोट कीजिए, 13 दिसंबर 1937 टू जनवरी 1938। तो ये मुश्किल से 1.5 महीने चला हत्याकांड था। सेवरल लैक्स वर किल्ड, मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख की बाय द जापानीज। सीक्वेंस ऑफ इवेंट में मैं एक एक करके आपको घटना की सूची बताऊंगा, फटाफट एक एक करके देखते हैं द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द नैनजिंग मैसेकर। सबसे पहले अगस्त 1937, अगस्त 1937 में हुआ ये दैट द जापानीज फोर्सेज इंपीरियल आर्मी इन्वेडेड शांघाई। मंचूरिया वगैरह वो पहले ही ले चुके थे, मैंने आपको बताया, दे इन्वेडेड शांघाई। आज तो सोच के कैसा लगता है ना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुंह तोड़ जवाब देने में अब सक्षम है, किम जोंग उन ही दे देगा पीएल है तक बात है। एनीवे, सो द जापानीज इन्वेडेड शंघाई एंड दे अल्टीमेटली वन इट बाय नवंबर। हालांकि उनका नुकसान बहुत भयंकर हो गया था, एंड द जापानीज फोर्सेस वर ऑल्सो प्रीटी मच डिमोरलाइज, क्योंकि चीनी बहुत लड़े बहुत लड़े बहुत लड़े, बट अल्टीमेटली द जापानीज इंपीरियल आर्मी वन एंड दे टुक शंघाई। ये हुआ भैया अगस्त 1937 में। अगले क्षेत्र पे चलते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, इन दिसंबर 1937 ऑर्डर वॉज गिवन टू कैप्चर नैनकिंग। आपको दिख रहा है नैनकिंग चित्र में। 1937 के दिसंबर में जापानियों ने अपनी सेना को आदेश दिया कि नानकिंग पर कब्जा कर लो, यह आरओसी की कैपिटल है। चियांग काईशेक को यह समझ में आ गया, चियांग काईशेक नेता जो चीन के थे, कि इस वक्त नानकिंग को बचाने के लिए अगर हम बैठे रहे सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा, तो यह बेवकूफी होगी। उसके जर्मन एडवाइजर्स ने उसको बोला कि आप पीछे चले जाओ, और चीन इतना बड़ा है कि यू यूज साइज टू योर एडवांटेज एंड फाइट अ बैटल ऑफ एट्रिशन, बिकॉज द वास्ट टेरिटरी ऑफ चाइना इज योर बेसिक स्ट्रेंथ। दिस इज अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। आप क्या देख रहे हैं चित्र में, यह 1945 का एक चित्र है चियांग काईशेक और माओ सेतंग का। चियांग काईशेक केएमटी के नेता और आरओसी के प्रेसिडेंट, और माओ सेतंग कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट। जब ये दोनों मिले थे, आप चित्र में देखेंगे चियांग काईशेक एंड माओ, माओ वो जिनके सिर पे थोड़े बाल बचे हैं,
तब चियांग काईशेक को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी एक दिन मुझे ही उखाड़ फेंकेगा। हुआ वही, और अमेरिका को भी उम्मीद नहीं थी। अमेरिका ने दोनों के बीच संधि करवाई थी दरअसल, उनके एम्बेसडर ने, एंड दे नेवर न्यू दैट द कम्युनिस्ट हैड सच ह्यूज एम्बिशन। सिविल वॉर में तो वो साथ आ गए, सेकेंड बैटल में तो वो साथ आ गए थे 37 से 45, लेकिन उसके बाद जो सिविल वॉर छिड़ा उसमें कम्युनिस्ट जीत गए थे। तो ये चित्र दिखाना यहां जरूरी था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो वापस दिसंबर 1937 की बात आपके साथ करना चाहूंगा। क्या हुआ? जापानियों ने शंघाई से नानकिंग की ओर कूच किया, चियांग काईशेक ने अपनी पूरी सेना विड्रॉ कर ली और नानकिंग को पीछे छोड़ दिया। अगला चित्र देखिए, इसमें एक दो पेज है वो दिखाता हूं। अब आपको एक जनरल साहब यहां दिख रहे हैं। दिसंबर 1937 में यह हुआ कि जापानी नानकिंग की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में अत्याचारों की श्रृंखला कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो चीनी सामने आता उसे वो काट डालते। इन दिसंबर 1937 ये जो सज्जन सामने दिख रहे हैं, इनका नाम है तांग शेंगजी। ये एक वॉर लॉर्ड थे, वॉर लॉर्ड यानी एक मिलिशिया के नेता। ये किसी भी सेना, ये अपना इनका खुद का शासन चल रहा है, इसको कहते हैं वॉर लॉर्ड, जैसे आज के सोमालिया में है। तांग शेंगजी ने बोला कि मैं नानकिंग छोड़कर नहीं जाऊंगा, I have decided to fight to death। और उसके पास 1,00,000 सोल्जर उसने इकट्ठा कर लिए जो कि अनट्रेन्ड थे, और उसने ये कहा कि कोई नागरिक यहां से भागेगा नहीं, सारे पोर्ट को ब्लॉक कर दो, सारे रास्ते बंद कर दो। ये डिसीजन लिया तांग शेंगजी वॉर लॉर्ड ने। तो ये वॉर लॉर्ड जो थे, चीन में उस वक्त कोई भी एक मजबूत सेना और एक मजबूत सरकार नहीं थी। चीन उस वक्त 1930s में अलग अलग हिस्से अलग अलग वॉर लॉर्ड्स के पास थे। चित्र में देखिए, दिस वॉज चाइना इन द 1930s एंड यू सी द वेरियस रेड पोर्शंस, दीज आर द वेरियस वॉर लॉर्ड्स। कोई एक सेना नहीं थी। चियांग काईशेक एंड KMT के कंट्रोल में नीला वाला हिस्सा था, दैट इज इट। बाकी सब जगह अगर वॉर लॉर्ड आपको सपोर्ट कर दें तो आप सत्ता में आ सकते हैं। तांग शेंगजी चियांग काईशेक को सपोर्ट करता था, और नानकिंग में उसने बोला मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, 1,00,000 सैनिक के सारे अनट्रेन्ड थे लार्जली, उनके साथ में रुकूंगा, और कोई भी नागरिक नहीं भागेगा, पोर्ट को बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। यह समझ में आया आपको? अब जापानी नानकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं शंघाई जीतने के बाद। रास्ते में हत्याकांड पे हत्याकांड होते चले जा रहे हैं, जो सामने आ रहा है उसको मार रहे हैं। ऐसे कुछ हजार लोग तो रास्ते में ही उन्होंने मार दिए। व्हेन द जापानीज वर अराइविंग एट नानकिंग, There were many foreigners living there, क्योंकि बहुत सारी नेशनल, जर्मन बहुत थे, जर्मन का बहुत दखल था चीन में उस वक्त, और आज के चीन वन ऑफ द की कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एग्रेशन द चाइनीज फॉरन पॉलिसी ऑफ टूडे इज द मेमोरी ऑफ दिस एरा वेयर मल्टीपल यूरोपियन पावर्स हैड ओपनली इंटरफेयर्ड इन चाइनाज इंटरनल अफेयर। इसलिए तो आज इतने भड़कते रहते हैं इन चीजों के ऊपर। आज के चीन के गुस्से को समझने के लिए थोड़ा सा इसको समझ लें तो मन में सहृदयता आने लगती है। अरे लेकिन ये बड़े बुरे लोग हैं, भारत के साथ बड़ा बुरा करते हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं वॉर लॉर्ड्स, ये समझ में आया? एक जबरदस्त कहानी में ट्विस्ट ये सज्जन आपको दिख रहे हैं। मैंने आपसे अभी क्या कहा था, चीन में बहुत सारे विदेशी रहते थे। रिपब्लिक ऑफ चाइना की कैपिटल क्या थी? नानकिंग। यहां जो जर्मन्स रहते थे उनमें एक हिटलर की नाजी पार्टी का सदस्य और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नानकिंग में भैया, इसका नाम है जॉन हेनरिक रबे। जॉन रबे ये सज्जन जर्मन है, नाजी पार्टी के सदस्य हैं। दिसंबर 1937 में इन्होंने ये कहा कि सारे फॉरेनर जितने भी यहां है और नागरिक, उनको मैं सेफ्टी दूंगा। उन्होंने एक इंटरनेशनल कमिटी बना दी और ये कहा कि हम एक नानजिंग सेफ्टी जोन बना रहे हैं। आज तो सुनकर हंसी आती, जिन्होंने होलोकॉस्ट ले आया और 1 करोड़ से ज्यादा ज्यूस को मार दिया, वो नानकिंग में सेफ्टी जोन बना के लोगों को बचाने की बात कर रहा है, लेकिन उसने बचाया भी। तो ये है जॉन हेनरिक रबे, अ जर्मन नाजी पार्टी मेंबर लिविंग इन नानकिंग एट दैट टाइम, और लोगों को बचाने के लिए उसने एक नानकिंग सेफ्टी जोन बनाया, एक इंटरनेशनल कमिटी बनाई कि जापानी जब घुसे तो लोग जो यहां है वो बच जाएं। जापानियों ने बमबारी शुरू कर दी और तांग शेंगजी की सेना बहुत डीमोरलाइज हो गई। सोल्जर्स वर डिसहार्टन एंड दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग अलॉट एंड दे स्टार्टेड रिट्रीटिंग टू द सेफ्टी जोन। तो जॉन रबे को यह समझ में आया कि बहुत बड़ा खतरा है, अगर इसके ये तांग के सैनिक मेरे यहां घुस रहे हैं सेफ्टी जोन में, तो जापानीज यहां भी हमला कर देंगे। हमला किया भी। तो जॉन रबे का यह सपना जो था कि सेफ्टी जोन पूरी तरह सेफ रहेगा, वो हो नहीं पाया। अब जब जापानीज आर्मी आगे बढ़ती आई, एक खतरनाक कंपटीशन जापान के अखबारों ने रिपोर्ट की।
इस तरह की खबरें जापान के अखबारों में छपी। बाद में कई लोगों ने कहा यह तो सिर्फ मोराल बूस्ट करने के लिए झूठी खबर फैलाई गई थी, कई लोगों ने कहा यह वाकई में हुआ था। जापानीज आर्मी बढ़ रही है नैनकिंग की तरफ। फ्रॉम शंघाई टू नैनकिंग द 10th आर्मी एडवांस वेरी रैपिडली लूटिंग एंड रेपिंग ऑल द वे। जो 10वीं सेना शंघाई से नैनकिंग जा रही थी उसके कमांडरों ने सैनिकों को खुली छूट दे दी थी, यू लूट एंड रेप एनी विच वे यू वॉन्ट, और इसलिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच जापान के अखबारों ने रिपोर्ट किया कि दो मिलिट्री ऑफिसर्स जापान के, उनके बीच एक कॉम्पिटिशन है। ये दो मिलिट्री ऑफिसर्स कौन हैं? ये हैं मुकाई एंड नोडा, तोशिया की मुकाई एंड सुयोशी नोडा, कि पहले एक ही तलवार से 100 लोगों का गला कौन काट के मारेगा, ये कॉम्पिटिशन है, द कंटेस्ट टू किल 100 पीपल। और ये सेकेंड लेफ्टिनेंट्स थे। कहा जाता है युद्ध समाप्त होने के बाद इन्हें सजाए मौत दी गई 1948 में। चीनी सरकार ने दोनों को सजाए मौत दी 1948 में, यानी इससे 11 साल के बाद, जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार चुका था। आप अत्याचार की बानगी देख रहे हैं ना, ये कॉम्पिटिशन बना के चल रहे थे। द कॉन्टेस्ट बिटवीन टू ऑफिसर्स टू किल 100 पीपल फर्स्ट विद अ सॉर्ड वॉज पॉपुलराइज बाय मीडिया इन जापान। और कई लोग कहते हैं कि कहानी पूरी तरह झूठ थी ताकि लोगों का मोराल बढ़े जापानी सेना का, इसलिए और कुछ भी नहीं। किस तरह की कहानी। इसी बीच जापान में एम्परर हिरोहितो ने एक युवराज की बड़ी आलोचना की और कहा कि यह युवराज होने लायक ही नहीं है, इसका एटीट्यूड बड़ा खराब है और मैं इसे सुधरने का एक मौका दे रहा हूं, आई एम डेप्यूटिंग हिम टू नैनकिंग इन चाइना। अरे बाप रे। और इस युवराज ने खुद को सिद्ध करने के लिए सबको मार डालने का आदेश दे दिया। ये रहे वो युवराज। आप देख रहे हैं देयर वाज़ अ न्यू जापानीज प्रिंस योसुहिरो असाका, जो 1945 के बाद वॉर ट्राइब्यूनल में फांसी पर लटकते लटकते बच गए। एम्परर हिरोहितो ऑफ जापान हैड क्रिटिसाइज्ड दिस प्रिंस योसुहिरो असाका फॉर हैविंग अ बैड एटीट्यूड, कि आप तो रॉयल होने के लायक ही नहीं है। उन्हें भेजा गया नैनजिंग टू मेक अमेंड्स, कि खुद को सिद्ध कर दे बेटा तू अब। व्हेन असाका अराइव्ड इन नैनकिंग ही वाज टोल्ड बाय द जनरल्स ऑफ जापानीज आर्मी दैट 300,000 चाइनीज आर रेडी टू सरेंडर, बट असाका इन ऑर्डर टू प्रूव हिमसेल्फ सेड किल देम ऑल। यहां से हत्याकांड की शुरुआत होती है। देखिए इस महान आत्मा का चित्र। 9 दिसंबर को जापानीज ब्रीच्ड ऑल द रेजिस्टेंस टू दैट सिटी एंड दे केम टू द सिटी गेट्स। 24 घंटे का ऑर्डर उन्होंने दिया कि सारे चीनी खुद को सरेंडर करें या मरने के लिए तैयार हों। जनरल मात्सुई जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और वही जनरल मात्सुई जिसको वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल ने बाद में सजाए मौत दी 1948 में, जनरल मात्सुई ने दिसंबर 9 के बाद यह आदेश दिया कि सारे चीनी सरेंडर कर दो, 24 घंटे का समय है, नहीं तो हम सबको मार डालेंगे। समय दिया 24 घंटे का। सरेंडर किसी कारण से नहीं हो पाया तो 12 दिसंबर को जनरल ने ऑर्डर दे दिया कि नैनकिंग पर हमला हो जाए। उस वक्त जनरल तैंग शेंगची, ये मैंने आपको पहले इनका नाम बताया था, जो वॉरलॉर्ड है, उन्होंने यह समझ लिया कि लड़ाई हम जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को बोला रिट्रीट। भयंकर कंफ्यूजन फैला और सैनिकों ने, इन्हीं के चीनी सैनिकों ने, आम नागरिकों को पकड़ के उनके कपड़े फाड़ के खुद पहनना शुरू किए कि हम सैनिक न दिख जाएं इसलिए सिविलियन कपड़े पहन ले। ऐसा कैओस आ गया क्योंकि उन्हें पता था जापानी लोग सैनिकों को मार डालेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि जापानी लोग सैनिकों के साथ दूसरों को भी मारने वाले थे। तो ये ऑर्डर जैसे ही रिट्रीट का इन्होंने दिया, ऑल हेल ब्रोक लूज। ये समझ में आया आपको। 12 दिसंबर के बाद नैनकिंग फेल। अगले 6 हफ्ते द जापानीज ट्रूप एंगेज्ड इन 6 वीक्स ऑफ मर्डर, मास रेप, थेफ्ट, आर्सन, वॉर क्राइम्स ऑफ एवरी इमेजिनेबल प्रपोर्शन। आई विटनेस अकाउंट्स आर हॉरेंडस, जो यहां बताए नहीं जा सकते हैं। एक गड्ढा खोदा गया, 10,000 लाशों का गड्ढा, 10,000 कोप्स डिच, उसमें 12, 14, 15, 16 हजार लाशें भर दी गई। 18 दिसंबर को हजारों चीनी सैनिकों को हाथ बांध के यांगजी नदी पर खड़ा करके मशीन गन से काट डाला गया, भून डाला गया, और बाद में बायोनेट से, यानी राइफल पे लगी तलवारों से काट डाला गया। और जापानीज इंपीरियल आर्मी अपनी विजय का जश्न मनाती रही।
दिस वॉज द मैसेकर ऑफ नैनकिंग. इसके एक्चुअल आई विटनेस अकाउंट्स अवेलेबल हैं जो वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल में बाद में यूज हुए. एलाइड फोर्सेस ने जो चलाया, सारे जनरल्स को फांसी की सजा हुई, रॉयल फैमिली को छोड़ दिया गया जापान की, क्योंकि वेल डील हुई थी वैसी ही, अदरवाइज तो और बड़ा विद्रोह हो जाता जापानियों के द्वारा, क्योंकि वो अपने राजाओं को भगवान मानते हैं. इस प्रकार 6 हफ्ते के मैसेकर में, फिर से वो चित्र एक बार आपको दिखाऊंगा, बहुत सिलेक्टेड और मिनिमम हॉरिबल चित्र में लेकर आया हूं. एवरी इमेजिनेबल क्राइम वॉज कमिटेड, बिहेडिंग वॉज वेरी वेरी कॉमन, और इस प्रकार जैपनीज इंपीरियल सेना विजय का जश्न मनाती रही. फरवरी 1938 में यह सब समाप्त हुआ जब प्रिंस असाका और जनरल मासुई को जापान के राजा हिरोहितो ने फरवरी 1938 में वापस जापान बुला लिया. और उस वक्त जनरल मासुई ने यह ओपनली कहा था कि मेरे सैनिकों ने बहुत बड़े अत्याचार कर दिए, मैं सारी जिंदगी अब शांति से नहीं जी पाऊंगा, और आज जो हुआ है, अभी जो हुआ 6 हफ्तों में, द डार्क शेडो ऑफ दैट विल ऑलवेज चेज साइनो जैपनीज रिलेशंस फॉर एवर. बिल्कुल सही कहा था. तो यह है जापानीज इंपीरियल सेना का विजय जश्न नैनकिंग हत्याकांड के बाद. इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1946 में स्थापित हुआ, अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध प्राधिकरण, जिसमें सबको पकड़ पकड़ के उनके ऊपर केसेस चले. मेनी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स वर कन्विक्टेड एंड दे वर फाइनली किल्ड एग्जीक्यूटेड. दैट इज 1995 में जापानियों ने अपनी पहली अपोलॉजी जारी की. लेकिन जापानियों ने जो पहली अपोलॉजी जारी की 1995 में, ये तो मैं आपको आज का चित्र दिखा रहा हूं, जापानीज वर इन डिनायल. 1950s, 60s, 70s, 80s, जापानीज नेवर एक्सेप्टेड दैट एनीथिंग लाइक दिस हैपेंड. एंड माओ ज़ेडोंग टिल 1970s आल्सो डिड नॉट प्ले अप द नैनकिंग मैसेकर बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स. ही कंटिन्यूअसली नीडेड मनी एंड कैपिटल एंड एड फ्रॉम जापान. So he kept downplaying the Nanking massacre, which from 1980s became a great, it's a grave issue. And in 1995, for the first time, a Japanese prime minister issued an apology to the Chinese people. But till that, the Japanese are hated by the Chinese, and continuous protests in Japan, in China, against the Japanese on the slightest of pretexts are seen. और इनके बीच के रिश्ते कभी भी ठीक हो पाएंगे, इस बात की उम्मीद बहुत कम है. हालांकि दोनों के बीच ट्रेड सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का है, बट इंसिडेंट्स लाइक द नैनकिंग मैसेकर हैव बीन रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री एज मैनकाइंड्स बिगेस्ट मिस्टेक्स. तो ये मैसेकर हुआ क्यों? व्हाई डिड दिस मैसेकर टेक प्लेस? बिकॉज द जनरल्स अवेलेबल और प्रेजेंट एट दैट मोमेंट डिड नॉट कंट्रोल देयर ट्रूप्स. Because there was miscommunication. Because Emperor Hirohito did not issue any specific instruction that massacre are not to be carried out. Because the soldiers, they ended up doing an endless orgy of violence, rape, plunder, loot, arson, war crimes. All that happened. Ultimately, जो सेना को कमांड कर रहे थे, जिम्मेदारी तो उनकी है ना, वो भाग थोड़ी सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से. यह है नैनकिंग हत्याकांड की पूरी कहानी. निश्चित तौर पर कहना नहीं होगा दर्दनाक हादसा है, लेकिन ठीक है, हमने इसे पढ़ने के हिसाब से पढ़ा है. उससे ज्यादा सोचिएगा मत, अपनी रिसर्च कीजिएगा, काफी है. वैसे भारत में भी भैया ऐसा है कि पॉपुलेशन की समस्या तो बहुत बढ़ गई है, और ये पॉपुलेशन की समस्या से हम सभी को दिक्कत तो आने वाली है. एनीवे, उस पर कभी और बात करेंगे. आज के लिए इतना ही. अब आप क्विक समरी लिखिए 50 वर्ड्स में, और डिटेल समरी कॉमेंट्स में 150, 200, 250 वर्ड्स में पूरी दीजिएगा. आई अवेट दैट. योर पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू डू इट. दैट इज हाउ आई स्टे मोटिवेटेड, अदरवाइज भाई हमारा ही मोटिवेशन खत्म हो जाएगा. आज के लिए इतना ही. टेस्टिमोनियल भी जरूर लिखिएगा. नमस्ते, जय हिंद. देखो भाई, ये पॉपुलेशन का है ना, मैंने तुमको देखते हुए बोला था. धीरे धीरे क्या, तुम इतने हो जाओगे टेबल पे जगह नहीं रहेगी, मुझे जाना पड़ जाएगा यहां से.